एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सी फ्रिल वाली फ्रॉक। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। इसे मैंने 4 लेयर्स में करके रखा है। ये हमारा क्लोज वाला साइड है, वो हमारा ओपन वाला साइड है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 15 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंचेस एंड आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। देन हमें अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो मेरी चेस्ट है 36 इंचेस, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंचेस। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आप चाहें तो 1.5 या 2 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना वेस्ट मेजरमेंट मार्क करना है। तो मेरी वेस्ट मेजरमेंट है 32 इंचेस, तो 32 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 इंचेस। तो 8 इंचेस पर मैं मार्क लगा रही हूँ एंड 1 इंच यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है एंड यहाँ पर हमें 1 इंच पर एक मार्क लगाना है एंड इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेना है। तो अब हमें आर्म होल की गहराई देनी है। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे एंड इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी बैक आर्म होल की गहराई। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे एंड राउंड शेप दे देंगे। नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंचेस एंड नेक की लेंथ मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं फ्रंट एंड बैक नेक दोनों की ही लंबाई 5.5 इंचेस ले रही हूँ। अब इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बनाना है एंड राउंड शेप दे देना है। अब आर्म होल वाले साइड हमें 1/2 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड इसे हमें नेक की ओर लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से मिला देना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, केवल बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमें अपने बैक पार्ट को साइड पर रख देना है एंड फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेना है। अब हमें फैब्रिक कट कर लेना है जो हम नेक पर फ्रिल लगाएंगे, या फिर आप इसे केप भी कह सकते हो। इस फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ दोनों ही मैंने 22.5 इंचेस रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपको सामने की जो फ्रिल है या फिर जो केप है वो थोड़ा लॉन्ग चाहिए तो आप इसकी लेंथ एंड विड्थ थोड़ा बढ़ा कर लेना। अब जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर रख देना है एंड जो टॉप पार्ट का शोल्डर है उसे हमें थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। सिलाई वाला पार्ट जो है उसको बाहर की साइड निकाल देना है क्योंकि इसको हम बाद में सिलाई लगा देंगे। एंड नेक की शेप को मार्क कर लेना है। टॉप को मैंने कैसे फैब्रिक के ऊपर रखा है ये आप वीडियो में अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड नेक की कटिंग कर लेनी है। अब इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अगर आपको इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। तो मैं 7 इंचेस पर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसे हमें कट कर लेना है एंड जो हमारा शोल्डर वाला साइड है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब बचे हुए फैब्रिक को हम घेरे के लिए यूज़ करेंगे। तो इस फैब्रिक की लेंथ जो बची है वो 81 इंचेस है एंड इसकी विड्थ 14.5 इंचेस है। आपको जितनी लेंथ चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा लीजिएगा। अब इस फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड करेंगे विड्थ वाइज, देन हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब ये जो हमारा कोना वाला पार्ट है यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का साइज़ मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट थी 32 इंचेस, यहाँ पर हमें 1 प्लस करना है क्योंकि दोनों साइड 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए लगेगा। तो 33 इंचेस को मैंने 3.14 से डिवाइड किया है एंड जो भी आए उसे आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मेरा आया है 10.6 इंचेस, तो 10.6 इंचेस पे पूरे में हमें मार्क लगाना है एंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपका जो भी आए यहाँ पर आप मार्क करना। अब आपको घेरे की लेंथ लेनी है। तो मेरे घेरे की लेंथ मैं रख रही हूँ 30.5 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो पूरे घेरे पर हमें 30.5 इंचेस पे मार्क लगाना है एंड इन सभी मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है।
अब जो हमने लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे एंड एक साइड हमारा ओपन वाला पार्ट है एंड दूसरी साइड हमारा जुड़ा हुआ पार्ट है, तो इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे एंड दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि फिर वो दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता कि एक साइड से जुड़ा हुआ है और एक साइड से सिलाई लगी है, तो दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगा दिया है मैंने। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे एंड जो हमारा घेरे का बॉटम है वहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेना है चारों तरफ। आप चाहें तो यहाँ पर पीको भी करवा सकते हो, मैं इसमें डबल फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए अब घेरा हमारा तैयार हो गया। अब हमें लेना है अपने टॉप पार्ट को, तो एक पार्ट को मैंने राइट साइड की तरफ करके रखा है एंड उसके ऊपर दूसरे पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखा है, यानी कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए एंड इन दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमें स्टिचिंग लगा देनी है। अब इसे हमें ओपन कर लेना है इस तरीके से। अब आर्म होल को फोल्ड करने के लिए मैंने ये तिरछी स्ट्रिप ली हुई है, इसकी विड्थ है 1.5 इंचेस। इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड किनारे से एक सिलाई लगा देंगे पूरे स्ट्रिप पर। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब इस स्ट्रिप को हमें अपने टॉप पार्ट के आर्म होल पर इस तरीके से लगाते हुए पूरे स्ट्रिप पर सिलाई लगा देना है। दूसरे आर्म होल पर भी हम इसी तरीके से स्ट्रिप को लगाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब टॉप पार्ट को हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड जो हमारी स्ट्रिप है उसे भी हमें टर्न कर लेना है इस तरीके से एंड पूरे आर्म होल पर सिलाई लगा देनी है। अब जो हमने नेक के लिए फ्रिल कट किया है उसके बॉटम को हमें या तो डबल फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है या फिर आप पीको भी करवा सकते हो, इसमें मैं पीको करूँगी। ये देखिए अब टॉप पार्ट को हमें रखना है रॉन्ग साइड की तरफ एंड जो हम फ्रिल लगा रहे हैं उसे भी हमें इसके ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। अब नेक के साथ हमें फ्रिल को अच्छे से सेट करना है एंड चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब इसके चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं एंड फ्रिल को अंदर की साइड टर्न कर देना है। ये देखिए अब ऊपर से हमें चारों तरफ एक सिलाई लगा देनी है। अब इसके दोनों साइड्स को हम मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। अब जो हमने घेरा तैयार किया था उसे हमें लेना है एंड इसके अंदर हमें अपने टॉप वाले पार्ट को इस तरीके से डालना है। इसमें जो हमारा घेरा और टॉप का राइट साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए। अब जो हमारे टॉप पार्ट की साइड की सिलाई थी एंड जो घेरे की साइड की सिलाई थी इन दोनों को मिलाकर हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। एंड चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। अब बेल्ट बनाने के लिए हमें एक स्ट्रिप लेनी है जिसकी विड्थ है 3 इंचेस एंड लेंथ है 66 इंचेस। इस स्ट्रिप को मैंने फोल्ड करके रखा है तो इसे हम ओपन कर लेंगे एंड राइट साइड की तरफ इसे हम करके रखेंगे एंड सेंटर से फोल्ड करके नीचे हमें 1 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड ऊपर को लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देना है। अब पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब सेंटर पे हमें 2 या 2.5 इंच पे सिलाई नहीं लगानी है जहाँ से हम अपने बेल्ट को राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें 1 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड इसे लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर को मिला देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है।
अब ये जो ओपन वाला पार्ट है जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ से हम अपनी बेल्ट को राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे एंड पूरे बेल्ट को हम आयरन कर लेंगे। सो गाइज, हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी है। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।